हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम एक जॉइंट अमेरिकन ब्रिटिश स्पेस प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स चर्चिल नाम के स्पेसशिप से हेली नाम के कॉमेट पर रिसर्च करने के मिशन के लिए जा रहे होते हैं, जो कि हर 76 साल में एक बार आता है। वही कॉमेट के नजदीक पहुँचने पर एस्ट्रोनॉट्स को कॉमेट के सेंटर में किसी ऑब्जेक्ट के होने के बारे में पता चलता है और रडार पर देखने पर उन्हें वो ऑब्जेक्ट 150 माइल जितना लंबा और 2 माइल इतना बड़ा है, ये पता चलता है, जो कि असल में एक बड़ी मिस्टीरियस स्पेसशिप होती है, जहां अंदर जाने पर एस्ट्रोनॉट को हजारों की तादाद में अजीब मरे हुए क्रीचर की लाशें दिखाई देती है, जो कि बैट यानी चमगादड़ की तरह दिख रही होती है। लेकिन इसी बीच उन्हें एक कमरे में 3 इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड भी मिलते हैं, जिनमें से 2 मेल और 1 फीमेल होती है, और एस्ट्रोनॉट इन तीनों को भी अपने स्पेसशिप में लाते हैं। देखते देखते 30 दिन बीत जाते हैं। यहाँ अर्थ पर चर्चिल इस मिशन के लोगों को वापस आना था, लेकिन उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए उनके लिए एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया जाता है। अब कुछ समय के बाद रेस्क्यू के लिए आए हुए एस्ट्रोनॉट उस शिप तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके उस शिप में उन्हें सब कुछ जला हुआ मिलता है। वही दूसरे एस्ट्रोनॉट की बॉडी अजीब तरह से खराब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, स्पेसक्राफ्ट का एस्केप पॉड भी गायब होता है। लेकिन तभी रेस्क्यूअर्स को भी 3 ह्यूमनॉइड मिलते हैं, जिन्हें 3 अलग अलग कंटेनर में रखा गया होता है। अब इन तीनों भी ह्यूमनॉइड्स को लंदन के यूरोपियन स्पेस रिसर्च सेंटर के बेस में लाया जाता है, जहां एक डॉक्टर एलियन की ऑटोप्सी के लिए उसके पास जैसे ही जाते हैं, वो एलियन अपने आप उठ जाती है और उस डॉक्टर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। मगर एलियन के पास जाने पर उसकी बॉडी भी उन्हीं एस्ट्रोनॉट की तरह सड़ जाती है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर बकोस की, जो कि उसी स्पेस सेंटर में काम करते हैं, वो ये सारी चीजें कैमरे के थ्रू टीवी पर देख लेते हैं और तुरंत उसी कमरे की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पे वो एलियन होती है। लेकिन दूसरे लोगों के वहाँ आने तक वो एलियन वहाँ से भाग चुकी होती है, लेकिन उसे जाते हुए गार्ड्स देख लेते हैं, जो कि उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो एलियन अपनी पावर से स्पेस सेंटर के बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे एक मिस्टीरियस एलियन धरती पे आया है, ये बात पूरे मीडिया में लीक हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम कर्नल केन को देखते हैं, जो कि स्पेशल एयरफोर्स के लिए काम करते हैं, जिन्हें इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया होता है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर के डॉक्टर फैलेर कर्नल को अपनी सारी रिपोर्ट देते हैं कि इन एलियंस को स्पेस से लाया गया था। इन एलियंस को वेम्पायर की तरह सर्वाइव करने के लिए दूसरे लाइफ फॉर्म पर निर्भर होना पड़ता है, वैसे ही जैसे उस फीमेल एलियन ने अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर के शरीर की पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी, और ये एलियन असल में एक वैम्पायर होती है। वही दूसरी तरफ वो 2 मेल एलियंस भी होश में आते हैं, जिन्हें गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों एलियन भाग निकलते हैं। यहाँ पे हम उस डॉक्टर को देखते हैं, जिसे उस फीमेल एलियन ने मारने की कोशिश की थी। उसकी बॉडी ऑटोप्सी के लिए लाई जाती है, पर तभी अजीब से कारण से उसमें अपने आप फिर से जान आ जाती है और अपने पावर से एक दूसरे डॉक्टर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसके शरीर की पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उस डॉक्टर का शरीर एक बार फिर से पहले की तरह हो जाता है। लेकिन तभी गार्ड्स आकर उसे पकड़कर लेके जाते हैं। वही डॉक्टर फलाडा और कर्नल केन भी इस सारी चीजों से काफी हैरान होते हैं कि तभी कर्नल को एक कॉल आता है, जहाँ पे कुछ लोगों को हाइड पार्क नाम की जगह पर किसी फीमेल की बॉडी मिली थी। यहाँ पे कर्नल अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक आई विटनेस से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि ये वही एलियन थी जिसने एक दूसरे लड़की पर हमला करके उसके शरीर की एनर्जी सींच ली थी। दूसरी तरफ स्पेस सेंटर में डॉक्टर फलाडा से होम मिनिस्टर सर पर्सी मिलते हैं, और डॉक्टर फलाडा होम सेक्रेटरी को सारी चीज बताते हैं, और वे दोनों भी उसी डॉक्टर को देखने आते हैं जिसके ऊपर हमला हुआ था और वैम्पायर में जो बदल गया था वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा होता है, कि तभी अचानक से उसकी बॉडी फिर से पहले की तरह बदलने लगती है, जहाँ पे डॉक्टर फलाडा को पता चलता है कि इन इन्फेक्टेड वैम्पायर को हर 2 घंटे में इंसान के शरीर की एनर्जी की जरूरत है, नहीं तो वो कमजोर पड़ने लगेंगे। वही उस दूसरे डॉक्टर और पार्क में मिली लड़की के साथ भी वही सेम चीज होती है, जहाँ पे उन्हें एनर्जी नहीं मिलने के कारण उनका शरीर ब्लास्ट हो जाता
जाता है। इसी बीच डॉक्टर फलारा को टेक्सास में लैंड हुई एस्केप पोड की जानकारी मिलती है, जहाँ पे रेस्क्यूअर को एस्केप पोड के अंदर एक आदमी मिलता है जिसका नाम टॉम कार्सल होता है और ये असल में चर्चिल क्रू का ही मेंबर होता है और बाकी एस्ट्रोनॉट में से बस वो अकेला ही जिंदा बचा था, जिसे लंदन डॉक्टर फलारा के पास लाया जाता है। डॉक्टर फलारा उसे पूछते हैं कि उस स्पेसक्राफ्ट में आखिर हुआ क्या था, जिस पर टॉम पहले तो सच बताने से मना करता है कि उसके बातों पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो बताने लगता है। वो बताता है कि उन्होंने 3 एलियंस को अपने स्पेसक्राफ्ट में लाया होता है और उन एलियंस ने क्रू मेंबर्स पर ही हमला कर दिया और एक एक करके सारे क्रू मेंबर्स की हालत खराब होने लगती है। वो आगे कहता है कि रिसर्च में हमें पता चला था कि ये सारे वैम्पायर्स हैं और वो अकेला ही बचा हुआ था, इसीलिए उसने सारे स्पेसक्राफ्ट को आग लगा दी थी क्योंकि वो वैम्पायर्स को पृथ्वी पर आने से रोकना चाहता था और खुद एस्केप पोड में बैठकर वो पृथ्वी पे आ गया। और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद टॉम को आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। जब टॉम सो रहा था तब उसके सामने वही फीमेल वैम्पायर आ जाती है जो टॉम के शरीर की एनर्जी भी अब्सॉर्ब करने लगती है, पर तभी टॉम की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये एक सपना होता है। पर टॉम को ऐसा लग रहा होता है कि उसका और वैम्पायर का मेंटली कुछ कनेक्शन है जिसके कारण उसके सपने में भी वो आ रही है, जिसे वो डॉक्टर फलाडा को बताता है। डॉक्टर फलाडा टॉम को हिप्नोथेरेपी के लिए लाते हैं, जहाँ पे टॉम को हिप्नोटाइज करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो सच में उस वैम्पायर के दिमाग के साथ जुड़ गया है और उस फीमेल वैम्पायर ने एलेन नाम की किसी लड़की के शरीर को पजेस किया होता है, जो अब लोगों के शरीर से पूरी एनर्जी लेने के बजाय उनके शरीर से कुछ अमाउंट तक एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही होती है और उन्हें ही पजेस कर रही थी ताकि किसी को भी उसका लोकेशन ना मिल पाए। अब टॉम और एलेन ने उस वैम्पायर एलियन के दिमाग में कनेक्शन बन जाता है, जिसके थ्रू इन्हें पता चलता है कि एलेन अब नेड नाम के किसी बुजुर्ग शख्स से लिफ्ट मांगती है, जहाँ पे एलेन नेड को अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट करने लगती है। इधर टॉम के जरिए उन लोगों को नेड के गाड़ी का नंबर प्लेट भी मिल जाता है और उन्हें पता चलता है कि नेड ने एलेन को किसी थर्लस्टोन हॉस्पिटल नाम की जगह पे ड्रॉप किया है, जो कि एक असाइलम होता है जहाँ पे पागल क्रिमिनल्स को रखा जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी के तरफ वही विशाल वैम्पायर का स्पेसक्राफ्ट बढ़ते हुए दिखाई देता है, जिसे पहले हमने हेली के कॉमेट के यहाँ पे देखा था, जो कि अब पृथ्वी के काफी पास आ चुका होता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ सभी टीम उस हॉस्पिटल में जा पहुँचते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग से होती है, जहाँ पे एलिन एज ए नर्स का काम किया करती थी। वही डॉक्टर फलाडा और कर्नल के इन दोनों एलिन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और एलिन से नेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन एलिन वो किसी नेट को नहीं जानती ये बताती है। पर टॉम को पता होता है कि वो वैम्पायर भी एलेन के शरीर के अंदर है और एलेन के साथ जबरदस्ती कर किसी तरह वैम्पायर को उसके शरीर से बाहर निकालने में वो कामयाब होता है। वहीं पर टॉम को कुछ विजन्स आते हैं कि अब वैम्पायर किसी के बॉडी में गई होगी और डॉक्टर आर्मस्ट्रांग से पूछने पर उन्हें जेफरी स्काइज नाम के आदमी के बारे में पता चलता है और सभी जेफरी के पास उसके सेल में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर हिप्नोटाइज कर उसके लिए इंजेक्शन लगाने ही वाले होते हैं कि तब भी कर्नल डॉक्टर से वो इंजेक्शन लेकर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को लगा देते हैं और उन्हें बेहोश कर कमरे में पूछताछ के लिए लाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वैम्पायर ने अब जेफरी को नहीं बल्कि डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को ही पजेस किया होता है। ये सब बात टॉम को भी पता होती है, पर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग से छुपाने के लिए जेफरी का नाम लेना पड़ता है। वही टॉम डॉक्टर लैमसन से दवाई के लिए 3 डोज मंगवाते हैं, जो कि एक तरह से वैम्पायर को शरीर से बाहर आने से रोकने में मदद करता है और ये इंजेक्शन डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को लगाया जाता है। वही वैम्पायर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग के शरीर के जरिए सबसे बात करने लगती है और ये रिवील करती है कि वो असल में एक बैट थी, पर जब टॉम और उसका क्रू उसके स्पेसक्राफ्ट में आया था तो उन लोगों ने उसके दिमाग को पढ़ लिया था और उन्होंने खुद के शरीर को इंसानों के शरीर में बदल दिया था। वही जो चेहरा अब वो वैम्पायर का है वो असल में टॉम के दिमाग में बसी एक इमेजिनेशन होता है, जिसे उसने पढ़ लिया था और अपने
शरीर को हूबहू उसी लड़की की तरह बदल दिया था। उनकी ये बातचीत चली रही होती है कि वैम्पायर अपनी पावर्स को यूज करके टॉम के शरीर की एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगती है, पर तभी कर्नल केन आकर बाकी के डोज डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को लगा देते हैं, जिससे वो वीक पड़ जाते हैं। लेकिन इसी दरमियान कर्नल केन और टॉम को पता चल जाता है कि जो भी कुछ चल रहा है वो दरअसल वैम्पायर की ही चाल थी उन सबको लंदन शहर से बाहर लाने की, ताकि मेल वैम्पायर शहर के दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर अपने तरह बना पाए। और ये जानने के बाद सभी हेलीकॉप्टर से डॉक्टर आर्मस्ट्रांग के साथ लंदन के लिए निकलते हैं। वहीं उन्हें डॉक्टर फलाडा से कॉल आता है, जो उन्होंने एक एंशियंट स्वॉर्ड की मदद से उन दो मेल वैम्पायर्स में से एक वैम्पायर को मार दिया था। पर तभी वो फीमेल वैम्पायर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग के शरीर से ब्लड को एज अ मीडियम की तरह यूज कर उनके शरीर से बाहर निकल जाती है और गायब हो जाती है। दूसरी जगह पे टॉम अपनी गलती फाइनली कन्फेस करता है कि उसने उस फीमेल वैम्पायर से कंटेनर जिसमें उसे रखा गया था वो खोला था, जिसे करने से टॉम खुद को रोक नहीं पाया और इसी कारण से ये सारे वैम्पायर आजाद हो गए थे। और उसी के कारण उसके क्रू मेंबर भी मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। वही हमें लंदन में क्या हो रहा है दिखाया जाता है, जहाँ पे अब हर कोई इन्फेक्टेड हो चुका है और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कर्नल और टॉम यूके के प्रेसिडेंट से मिलने आते हैं, पर वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। और इससे पहले कि उन्हें कोई इन्फेक्ट करे, कर्नल और टॉम वापस अपने हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और किसी तरह खुद को उन वैम्पायर से बचाते हुए आर्मी कैंप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहले उन्हें इन्फेक्टेड समझकर क्वारंटीन कर लिया जाता है। पर कर्नल केन के समझाने पर कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आर्मी के जनरल उन्हें बताते हैं कि पूरे शहर में इन्फेक्शन फैल गया है और अगर इन्फेक्शन दूसरे शहर में भी फैलने लगा तो उन्हें मजबूरन न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना होगा। वही वैम्पायर की स्पेसशिप लंदन शहर के ठीक ऊपर आकर रुकता है, जो कि असल में एक कलेक्टर की तरह काम कर रहा होता है, कि जहाँ पे इन्फेक्टेड लोगों के शरीर से अब्सॉर्ब की गई एनर्जी ब्लू कलर के लाइट के रूप में मेल वैम्पायर्स दूसरे फीमेल वैम्पायर्स को भेज रहे होते हैं, जो फिर उस इकट्ठा किए गए एनर्जीज को स्पेस में उनके स्पेसक्राफ्ट तक भेज रहे होते हैं। इधर टॉम को वो फीमेल वैम्पायर एक चर्च में होने का एहसास होता है, जहाँ से वो एनर्जी को अपने स्पेसक्राफ्ट तक भेज रही होती है, और वो बिना किसी को बताए गाड़ी से उसके पास जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर केन डॉक्टर फलाडा से मिलने स्पेस सेंटर के लिए निकल जाते हैं, जो अब इन्फेक्टेड हो चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद कर्नल केन को जब पता चलता है, तब वो उन्हें शूट कर मार देते हैं और उनकी वही एंशियंट स्वॉर्ड जिससे उन्होंने मेल वैम्पायर को मारा था वो लेकर सीधा चर्च चले आते हैं, जहाँ पे कर्नल केन उस दूसरे मेल वैम्पायर को खत्म कर देते हैं। और इसके पहले कि टॉम भी उस इन्फेक्शन का शिकार बने, टॉम कर्नल केन से स्वॉर्ड लेकर उस फीमेल वैम्पायर को भी मार देता है, जिसके कारण उनका एनर्जी सोर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और एनर्जी नहीं मिल पाने के कारण वैम्पायर स्पेसक्राफ्ट भी वापस हेली कॉमेट की तरफ जाने लगता है। और इसी तरह वैम्पायर का मेन सोर्स खत्म होने के कारण बाकी के इन्फेक्टेड लोग भी मारे जाते हैं, और इसी तरह ये मूवी भी खत्म होती है। बाय बाय।